हेलो, मैं हूं नेहा और आपका स्वागत है नेहाज किचन में। तो आज मैं बनाने वाली हूं छोले की बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट सब्जी। छोले आप घर में बहुत तरीकों से बनाते होंगे, पर मैं आज जो छोले बनाने वाली हूं वो बनाना बहुत ही इजी है और इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए देखते हैं इसकी क्विक रेसिपी। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। सब्जी के लिए ले लें आप 1.5 कप छोले और इसे धोकर आप 6 से 7 घंटे या रात भर के लिए भिगा कर रख दें। 6 से 7 घंटे के बाद ये देखिए छोले अच्छे से भीग चुके हैं और आप इस पानी को छान लें। सूखे मसालों में लिया है मैंने 2 तेज पत्ता, 2 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 4 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच नमक, 4 लहसुन की कलियां, 1 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची। मैंने 1.5 कप पानी में 3 चम्मच चाय पत्ती का पाउडर डाला है और इसे तब तक उबाला है जब तक ये 1 कप ना हो जाए। छोले में आप सारे सूखे मसाले डाल दें और चाय पत्ती का पानी छान कर डाल दें। आप इसमें बहुत ऊपर तक पानी ना डालें। मैंने इसमें सिर्फ छोले से 2 इंच ऊपर तक ही पानी डाला है और इसे आप 3 से 4 सीटी तक पका लें। गैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखें। अगर छोले 3 सीटी या 4 सीटी के बाद भी नहीं गले हैं तो आप उसमें 1 एक्स्ट्रा सीटी भी ले सकते हैं। और ये देखिए कुकर का प्रेशर आप अपने आप जाने दें और उसके बाद आप कुकर ओपन करिए। और ये देखिए छोले कितने अच्छे से पक चुके हैं, इसे आप मैश करके चेक कर लें। छोले को तड़का लगाने के लिए लिया है मैंने 3 मीडियम टमाटर, 2 प्याज और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। कढ़ाई को आप मीडियम फ्लेम में रखें और उसमें 3 बड़े चम्मच तेल के डाल दें। तेल जब गर्म हो जाए उसमें आप प्याज पीस के डाल दें। जो 2 प्याज हमने लिया था उसे मैंने अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया है और इसमें डाल दें। प्याज बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो सब्जी में उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। अगर आपका प्याज कढ़ाई से चिपकने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, ये प्याज को अच्छे से पकने में हेल्प भी करेगा और जलने भी नहीं देगा। और ये देखिए प्याज अच्छे से पक चुका है, तेल भी अलग हो रहा है। फिर इसमें आप पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और आप बस इसे 2 मिनट के लिए और पका लें प्याज के साथ, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और 2 मिनट पकाने के बाद आप इसमें पिसा हुआ टमाटर डाल दें और टमाटर डालने के साथ ही आपको इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। टमाटर को जल्दी पकाने के लिए आप इसमें थोड़ा नमक डाल दें। याद रखिएगा कि छोले को उबालते वक्त भी आपने नमक डाला था, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक डाल लें। और जब तक टमाटर पक रहा है यहाँ पर आप 1/4 कटोरी उबले हुए छोले ले लें और उसे एक अच्छा पेस्ट बना लें। और ये देखिए टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, इससे तेल भी अलग हो रहा है। बस इसी वक्त आप जो छोले हमने लिए थे उसे इसमें अच्छे से मिला लें। इससे ग्रेवी में इसका एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये ऑप्शनल है बट आप ये ज़रूर करिएगा। और इसके साथ इसे अच्छे से मिक्स करके आप 5 मिनट के लिए और पका लें। और 5 मिनट पकाने के बाद इसमें आप डाल दें 2 बड़े चम्मच छोले मसाले। आप कोई भी मार्केट का छोले मसाले इसमें डाल सकते हैं। और उसके साथ ही आप इसमें डालें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। मैंने इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी डाला है ताकि ये सब्जी अच्छी चटपटी बने। मसाले डालने के बाद आप इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए और पकाएं और ये देखिए कितना अच्छा मसाले का कलर आ गया है। और फिर इसमें उबले हुए छोले डाल दें और छोले डालने के साथ ही आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें अच्छे से उबाल आने दें।
और ये देखिए सब्जी में अच्छे से उबाल आ चुका है और ऊपर तेल भी अलग हो चुका है। और इसमें आप आधा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डाल दें। आप इसमें ये कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा क्योंकि इससे छोले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अभी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई है, आप एक छोटा सा तड़के का चम्मच ले लें या छोटा सा पैन जो भी आपके पास हो और उसमें 2 चम्मच घी के डाल दें। गैस का फ्लेम आप लो ही रखिएगा और इसमें फिर आप डाल दें 1/4 चम्मच हींग का। और फिर आप इसमें डालिए बारीक कटा हुआ अदरक और 1 से 2 हरी मिर्च। अदरक और मिर्च को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसे अच्छे से घी के साथ फ्राई कर लेना है। और फिर ये तड़के को आप डाल दें छोले पे, इससे छोले का जो फ्लेवर है वो 2 गुना हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। और गर्मा गर्म छोले आप चपाती के साथ या फिर चावल के साथ परोसें। तो आपको छोले की ये सब्जी ये कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।